हाँ जी, 12th क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2 का सेक्शन सी। सेक्शन सी जिसमें आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में होते हैं। पहला क्वेश्चन इस सेक्शन में, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिस। रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉज करके सॉल्व करिए और यहाँ से सॉल्यूशन चेक करिए। एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6c, ये पहली इक्वेशन आप लेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। वो पता है लाइन के लिए 2 ही पॉइंट काफी हैं। आपने पहले x 0 रखा, y आएगा 20, फिर y 0 रखा, x आएगा 6, 2 पॉइंट आ गए। आप ड्रॉ कर देंगे और इसके लिए शेडिंग देख लेंगे आप। ये आपके लाइन है ये वाली, और आप इसमें 0 0 पुट करें इक्वेशन में, तो 0 + 0 < 60 ट्रू। दैट मीन्स आपकी शेडिंग इस लाइन की ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। फिर आपकी लाइन आती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसमें भी इजिली आप 2 पॉइंट पढ़ सकते हैं, क्लियर कट 0 10 10 0, 2 पॉइंट आ जाते हैं। x 0 रखेंगे तो y 10, y 0 रखेंगे तो x 10, ये वाली लाइन आपकी है ये वाली। और इसके लिए भी आप 0 0 पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। जब आप पुट करेंगे तो 0 + 0 > 10 फॉल्स। दैट मीन्स इसकी शेडिंग अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, ठीक है। लास्ट लाइन है आपकी बेटा एक्स इक्वल टू वाई, दैट मीन्स एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, आपकी ये वाली लाइन, ओके। ये आपकी x इक्वल टू y लाइन, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रही होती है, तो इसके लिए आप चेकिंग करेंगे किसी और पॉइंट से। चलिए 10 0 से चेकिंग कर लेते हैं। 10 0 से चेकिंग की तो 10 < 0 इसमें पुट करना आपने, 0 फॉल्स। दैट मीन्स जहां 10 0 है वहां शेडिंग नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन, ओके। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सॉल्यूशन देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप हमेशा जब एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो मेंशन करिए, ओरिजिन मेंशन करिए, एक्सिस के नाम मेंशन करिए। अब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका बताता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में। अब आप शेडिंग मिला लीजिए, इसकी राइट तरफ, इसके नीचे की तरफ, इसकी लेफ्ट की तरफ, तो आप देखोगे तो ये आपका फिजिबल रीजन, ओके, ये फिजिबल रीजन आता है। इसके आप वर्टिसेस पढ़ सकते हैं इजिली। देखिए इसको ए नाम देते हो बेटा, ए, ये क्लियर कट 5 5 है। आप चाहो तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो, किस किस के हैं, जो आपकी ये दूसरी लाइन है और इसके, तो x इक्वल टू y ही पुट करना है, 5 5 आएगा बेटा, राइट। और ये पॉइंट आपका 15 15, इसमें भी आपका इक्वल है, लेकिन अब किस में है, यहाँ पर, यहाँ पर x और y इक्वल है, x y इक्वल रखा, 4y इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 15, x भी 15। ये आपका b पॉइंट, ये आपका c पॉइंट, 0 20 क्लियर कट पढ़ा जा रहा है, ये आपका 3 पॉइंट, 0 10 क्लियर कट पढ़ा, फाउंडेड फिजिबल रीजन है। मेंशन कर सकते हैं हम बेटा यहाँ पर, फिजिबल रीजन इज फाउंडेड, विथ वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल है रादर, और वर्टिसेस 4 क्लियर कट दिख रहे हैं हमें, उनको हम मेंशन कर देते हैं। ए विद कोऑर्डिनेट 5 5, बी विद कोऑर्डिनेट 15 15, सी विद कोऑर्डिनेट 0 20, एंड डी विद कोऑर्डिनेट 0 10। बस इन पर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है बेटा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इजक्वल टू 3x + 9y में आप ए की कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, बी के, सी के, डी के,
ओके जेड एट ए मीन्स 5 5 पर वैल्यू, 5 3 15 प्लस 5 9 45, ये आपका हो गया बेटा 60। जेड एट बी मीन्स 15, 15 3 45, 15 9 135, ये आपका हो गया 180। जेड एट सी मीन्स 0 20, 0 प्लस 180। जेड एट डी 0 10, दैट मीन्स 0 प्लस 90, मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा 60। फाइनल आंसर दे सकते हैं, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट इज 60 एट द पॉइंट 5 5। पॉइंट में कर दीजिए प्रॉपर, किस पॉइंट पर मिनिमम। आई होप आपका भी आंसर ठीक आया है बेटा, रेगुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। यस, सिंपल एक्टिविटी है बेटा एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर क्वेश्चन है। एक्टिविटी क्या है, टू नंबर सिलेक्ट हो रहे हैं इन 6 नंबर्स में, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक्स आपको डिफाइन किया हुआ है लार्जर ऑफ टू नंबर्स, रैंडम वेरिएबल लार्जर ऑफ टू नंबर्स, जो भी दो नंबर सिलेक्ट हो रहे हैं उनमें से लार्जर, और आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है इसी एक्स का, राइट। अगर हम टोटल एक्टिविटी की बात करें बेटा, तो इस सैम्पल स्पेस में कितनी आउटकम्स होंगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस भी पता होने चाहिए। 6 नंबर्स में से 2 नंबर सिलेक्ट होने, राइट, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 1, दैट मीन्स 15, राइट। अब बात करें x की, तो x डिफाइन किया हुआ है लार्जर ऑफ टू नंबर्स, अब जब देखें बेटा ये नंबर्स में से 2 सबसे छोटा है, जब 2 सिलेक्ट हो रहे हैं तो 2 के लार्जर होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है बिल्कुल भी, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, 6 ले सकता है, 7 ले सकता है, तो जो भी आएंगे उनमें से बड़े की बात हो, इस एक्स के आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आप टेबल फॉर्म करेंगे एक्स की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स वैल्यू ले सकता है 3, 4, 5, 6, 7। अब 3 कब कब हो सकती है, जब 2 और 3 सिलेक्ट हुए होंगे, 2 और 3 सिलेक्ट हुए होंगे तभी आपकी हो सकती है, मतलब एक फेवरेबल आउटकम, आप यूं कहें ऑर्डर्ड पेयर में, हमें लिखना नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट ये फेवरेबल आउटकम इस ढंग से आप लिखेंगे 2 3, एक फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 15। बिल्कुल ध्यान रखिएगा सिलेक्शन की बात कर रहे हैं बेटे, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तभी बल्कि 15 आया है, अगर ऑर्डर मैटर करता तो ये डबल हो जाता 30, ठीक है, सिलेक्शन हो रहा है 2 3 और 3 2, सेम बात है। अब 3 लार्जर हो सकता है सिर्फ एक केस में, 4 लार्जर हो सकता है जब उसकी पेयरिंग 2 और 3 से हो, दैट मीन्स 2 केसेस, 2 4 3 4, ये 2 केसेस होंगे सिर्फ इसके फेवर में, तो ये हो गया आपका 2 बाय 15। ऐसे ही 5 5 की पेयरिंग पिछले 3 के साथ होगी, तो 3 फेवरेबल केसेस, टोटल 15 केसेस। नेक्स्ट 6 6 की पेयरिंग 2 3 4 5 6 से होगी, मतलब 4 नंबर से, 4 बाय 15, और नेक्स्ट 7 की पेयरिंग होगी इन 5 नंबर से, दैट मीन्स 5 बाय 5, और आप इनका सम चेक कर सकते हैं, 15 हमने डेनोमिनेटर मेंटेन इसलिए कर रखा होता है, 3 3 6 प्लस 4 15, इनका सम आएगा 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बना है या नहीं इसके लिए ये आपका तरीका है, बाकी आप जिसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं कर लीजिए, 3 5 15, यहाँ पर 5 3 15, ठीक है, तो बिल्कुल आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए,
ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जो हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन में है क्वेश्चन बेटा, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर्स इज 1/6 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकर्स इज 1/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए। देखिए हमें गिवन क्या है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हमें दे रखी है 1/6, आप बिल्कुल इंटरसेक्शन का साइन भी लगा सकते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी नाइदर ऑफ देम मतलब ना तो ए हुई और ना ही बी हुई, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आपको दे रखी है 1/3 और आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ए क्या होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी और प्रोबेबिलिटी नॉट ए नॉट बी दे रखी है और ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ए एंड बी को मैं प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी लिख सकती हूँ, राइट right? और यहां पर मैं इसको भी प्रोबेबिलिटी नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी ले सकती हूँ, क्यों? आई होप आपको रिजल्ट याद है बेटा, ए एंड बी इंडिपेंडेंट होती है तो नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं पूरा पी ए पी बी लेकर कैलकुलेशन करने की बजाय, हम पी ए को सपोज कर लेते हैं बेटा के एंड पी बी को सपोज कर लेते हैं एम, तो हमारे पास आ गया के इंटू एम इज 1/6 और प्रोबेबिलिटी नॉट ए क्या होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, दैट मीन्स 1 माइनस के, प्रोबेबिलिटी नॉट बी 1 माइनस एम, ठीक है। ये 1/3, दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है बेटा, ये काम है हमारा। अब यहाँ देखो ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एम माइनस के प्लस के एम इस 1/3, के एम की वैल्यू पुट कर दें 1/6 तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एम प्लस के प्लस 1/6 इज 1/3, यहाँ से हमारे पास एम प्लस के आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 1/6 इज 7/6 माइनस 1/3, 1/3 को इधर ट्रांसपोज किया, इसको इधर ट्रांसपोज किया और एलसीएम ले लीजिए, ये होगा हमारा 7 माइनस 2 5/6। अब m एंड k में ये दो रिलेशन आ गए बेटा हमारे पास, k इंटू एम इज 1/6, m प्लस के इज 5/6, राइट, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, दैट मीन्स k, तो m को एलिमिनेट कर दें बेटा, यहाँ से m की वैल्यू होगी बेटी 1/6 k, इसको हम यहाँ पुट कर दें, पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/6 k प्लस k इज 5/6, एलसीएम ले, एलसीएम लेके आएगा 1 प्लस 6 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 के इज 5/6, 6 6 दोनों तरफ कट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के, दैट मीन्स 6 के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ईजली इसमें मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं बेटा, 6 के स्क्वायर माइनस 3 के माइनस 2, राइट, इनका सम माइनस 5 आएगा, प्रोडक्ट 6 आएगा, फैक्टर हो गए बेटा यहाँ 3 के कॉमन 2 के माइनस 1 और नेक्स्ट में माइनस 1 कॉमन 2 के माइनस 1 एंड 3 के माइनस 1, ये दो फैक्टर हो गए, प्रोडक्ट इज 0, दैट मीन्स Either of them is 0, 2k minus 1 is 0 or 3k minus 1 is 0, that means k is either half or 1/3, that means probability of A is half or 1/3, okay, quite a good question, tell you, find इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x विद रिस्पेक्ट टू x कर रखे हैं बेटे ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत, साइन एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस एक्स इंटू dx हमारा dt हो जाएगा, सब्सटीट्यूट करें
लेट साइन एक्स इज टी, दैट मीन्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी टी, और जो हमारा इंटीग्रल है वो चेंज हो जाएगा. ओके लेट मी जस्ट राइट वंस, कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स टू टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, दिस विल बी डी टी बाय वन माइनस टी टू माइनस टी. ओके इसको इजिली हम बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. एक काम हम और कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, अगर ऐसे कन्फ्यूजन है आपको, हम माइनस माइनस दोनों से कॉमन ले तो इसे हम टी माइनस वन लिख सकते हैं, इसे टी माइनस टू लिख सकते हैं, राइट. और पार्शियल फ्रैक्शन के शॉर्टकट आपको सिखा रखा है बेटे, टी माइनस वन टी माइनस टू में से कौन सा छोटा, टी माइनस टू, वो पहले टी माइनस वन वाला दूसरा, क्योंकि इनका गैप वन है और ये न्यूमरेटर में भी वन है इसलिए हम यूज कर पा रहे हैं बेटा. इनका गैप ज्यादा होता तो हम उस गैप से डिवाइड करते हैं. आई होप आपको याद है शॉर्टकट, ठीक है. ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, इसलिए ए बी सी वगैरह निकालना प्रॉपर उसके बजाय शॉर्टकट सीखना चाहिए बेटे, जहां जहां शॉर्टकट यूज कर सकते हैं इसको. ओके वन अपॉन टी माइनस टू डायरेक्ट इंटीग्रल है, लॉग ऑफ मॉड टी माइनस टू, टी का कोफिशियंट वन है इसलिए किसी से भी डिवाइड नहीं करना, यहाँ भी हमारा इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड टी माइनस, याद है वन अपॉन एक्स प्लस माइनस ए का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, वही यूज कर रहे हैं हम. कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए, टी को वापस पुट कर दीजिए, टी इज नथिंग बट साइन एक्स, एंड सेकेंड में भी आपने पुट कर दिया साइन एक्स माइनस वन. रादर हम यहाँ पर लॉगरिथम का रिजल्ट भी यूज कर सकते थे बेटा, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस वन, राइट, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो हमने रिजल्ट याद करके दिस वे करके, बट आपको पता है कोई भी रिजल्ट बोथ साइड यूज. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके इसके ऑप्शन में है क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रल ऑफ साइन फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव प्लस टू कॉस फाइव प्लस थ्री. इजिली ये भी दिख रहा है बेटा, साइन कॉस में इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर हम डेनोमिनेटर में साइन स्क्वायर फाइव को भी कॉस स्क्वायर में चेंज कर दें तो कॉस फाइव को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, तो हम साइन स्क्वायर फाइव को पहले कॉस स्क्वायर फाइव में चेंज करें. साइन स्क्वायर फाइव विल बी नथिंग बट वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो गया साइन फाइव अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू कॉस फाइव प्लस थ्री डी फाइव. हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कॉस फाइव को, दैट मीन्स कॉस फाइव का डेरिवेटिव माइनस साइन फाइव इंटू डी फाइव विल बी डी टी, दैट मीन्स साइन फाइव इंटू डी फाइव विल बी माइनस टी. ओके इसको हम एज्यूम कर लेते हैं आई, दिस आई विल बी नाउ माइनस डी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टी. ओके दैट मीन्स माइनस डी टी स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर. अब इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बेटे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 माइनस या माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरे में, माइनस फोर माइनस टू टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी, टी का कोफिशिएंट टू, टू का हाफ वन, वन का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना बेटा, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन तो रहेगा
के साथ एडजस्टेड, माइनस वन हो जाएगा इसके साथ, तो ये हमारा हो गया माइनस फाइव प्लस टी स्क्वेयर माइनस टू टी प्लस वन इज टी माइनस वन होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। यही करते हैं हम मेथड यूज, माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव हो गया। अब ये माइनस फिर एडजस्ट करें तो फाइव माइनस टी माइनस वन होल स्क्वेयर, और क्योंकि परफेक्ट स्क्वेयर लिखना है तो फाइव को भी हम लिख सकते हैं रूट फाइव स्क्वेयर, ओके। तो ये हमारा हो गया, आप बिल्कुल इसको यहाँ रीजनिंग में लिख लीजिए और इसको यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं, लंबा चौड़ा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब हो गया हमारा रूट फाइव स्क्वेयर माइनस टी माइनस वन होल स्क्वेयर, ओके। दैट मीन्स आप रिजल्ट यूज करने वाले हैं वन अपॉन स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, और ये इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ओके। यहाँ पर एक्स की जगह है टी माइनस वन, बट टी का कोफिशियंट वन है, तो एस सच यूज कर सकते हैं आप, साइन इनवर्स माइनस है उसको जरूर मेंशन कर दीजिए, एक्स की जगह टी माइनस वन, ए की जगह रूट फाइव प्लस सी, टी को वापस पुट कर दीजिए, टी वॉज कॉस फाइव माइनस वन अपॉन रूट फाइव प्लस कॉसेंट ऑफ इंटीग्रल, ओके। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y इंटू ई पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x इंटू ई पावर x अपॉन y dy इज जीरो। आपको एक सिंपल सा हिंट दे रखा है बेटा, e पावर x अपॉन y है, स्पेशल फंक्शन में x अपॉन y या y अपॉन x आ रहा है, तो आपको वहीं से हिंट मिल जाना चाहिए कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। इसका एक्सप्रेशन वैसा नहीं लिखा हुआ, तो आप एक्सप्रेशन को वैसा लिखिए बनाइए और फिर जो इसका रेगुलर मेथड है उसको यूज करिए। जब ये हमारी इक्वेशन में e पावर x अपॉन y है, तो ये इक्वेशन dx अपॉन dy वाली बनेगी, तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू जीरो डेफिनेटली, हम इसको वो सिंपली पहले क्या करते हैं y से डिवाइड कर देते हैं, y से डिवाइड किया तो ये बन गया टू e पावर x अपॉन y dx, ये बन गया 1 माइनस 2 x अपॉन y e पावर x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय y, ओके। और इसको अब हम dx अपॉन dy में लिखने की कोशिश करेंगे, तो 2 e पावर x अपॉन y हमने यही रखा, इस एक्सप्रेशन को हम ले जाते हैं लेफ्ट में, नेगेटिव होगा या इसका साइन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन y e पावर x अपॉन y माइनस 1 dy, ओके। और अब यहाँ पर लेफ्ट में हम सिर्फ रखना चाहते हैं dx अपॉन dy, dy को हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया और ये पूरी टर्म हम राइट में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन y e पावर x अपॉन y माइनस वन। अब आप देखो तो राइट में दो टर्म है बेटा, और ये जो हमने लेफ्ट में डिवाइड करना है ये इसमें एक ही टर्म है, तो हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, इसे सेपरेटली लिख सकते हैं ना, ऐसे क्या होगा, यहाँ से e पावर x अपॉन y कट गया, टू कट गया, ये हो गया x अपॉन y माइनस वन अपॉन टू e पावर x अपॉन y। अब मेथड क्या कहता है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है x अपॉन y को v, v t कुछ भी ले सकते हो, नथिंग हार्डर, x हो जाएगा v y, ठीक है। इन को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास dx अपॉन dy आएगा लेफ्ट से, और राइट में हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो v प्लस y dv over dy, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी हमारी, dx अपॉन dy की जगह तो लिखेंगे हम v प्लस y dv over dy, और राइट में हो जाएगा बेटा x अपॉन y हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन 2 e पावर v से v कैंसल दोनों तरफ,
इजिली सेपरेबल दिख रही है हमें इक्वेशन, क्या करेंगे? टीवी लेफ्ट में ही रखें, 2 इंटू ई पावर बी, ये हम लेफ्ट में ले गए, मल्टीप्लाई होगा, डी वाई को हम राइट में ले जाएं, ऑलरेडी माइनस है राइट में, और ये जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ओके, इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 बाहर कॉमन, ई पावर वी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वी माइनस इक्वल सॉरी माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर वी आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग वाई। ठीक है, इंटीग्रेट कर दें, 2 इंटू ई पावर वी इजक्वल टू माइनस लॉग मॉड वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेट। बस v की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दीजिए बेटा, x अपॉन y इक्वल टू माइनस log y प्लस, ये आंसर आ गया हमारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसके ऑप्शन में है बेटा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस 3y cot x इक्वल टू sin 2x। आई होप ये भी आपको इजीली समझ आ रहा है बेटा। देखिए dy by dx प्लस माइनस में y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इजक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू, यही फॉर्म बन रही है। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इजिली समझ आ रही थी, यस किस मेथड से सॉल्व होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो माइनस 3 कॉट एक्स इंटू वाई इजक्वल टू साइन टू। कंपेयर करेंगे इसी इक्वेशन से जो हमने स्टैंडर्ड रिकॉल कर ली, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू, पी हमारा माइनस 3 कॉट एक्स राइट, और क्यू होगा साइन टू एक्स। वाई का कोफिशियंट है यहाँ पर, y का कोफिशिएंट माइनस 3 cot x, राइट में q है यहाँ पर sin 2। क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम शॉर्ट में बिल्कुल if लिख लेते हैं, दिस विल बी e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज e पावर माइनस 3 इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल से बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स, ई पावर माइनस 3 लॉग साइन एक्स। आपको ध्यान है बेटा यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं लिखते हम, और इसमें हम हाँ बिल्कुल रिजल्ट यूज कर लेते हैं लॉग के, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स पावर माइनस 3, और ये भी हमारा हो जाएगा साइन एक्स पावर माइनस 3, क्योंकि ई पावर लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज दैट फंक्शन इट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे आपको रिजल्ट लॉग के याद रहने चाहिए। ये हो गया 1 अपॉन साइन क्यूब है। ओके, चलिए अब सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन भी डायरेक्ट आप याद रखते हैं, वाई वाली इक्वेशन है तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पुट कर दीजिए वाई इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्यू इज साइन टू एक्स, इंटीग्रल फैक्टर इज 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो साइन 2x को हम पुट कर सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स राइट, एक साइन कट जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर साइन एक्स को पुट कर सकते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम इसे,
और इंटीग्रल, हम इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सिर्फ, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या है, वाई इंटू वन अपॉन साइन क्यूब एक्स, इसको एज सच रखिए, राइट में सिर्फ हमने पुट करना है टू कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी डिवाइडेड बाई टी स्केयर, वन अपॉन टी स्केयर का इंटीग्रल माइनस वन अपॉन टी, और ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन साइन एक्स, टी को वापस पुट कर दें, और इसको भी आप सिंप्लीफाई चाहें तो साइन क्यूब एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी इंटू साइन क्यूब एक्स, राइट, ये साइन क्यूब एक्स लेफ्ट में डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल टू वन प्लस मॉडुलस एक्स प्लस वन, x इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये तो आपकी सिंपल लाइन्स है बेटा, y इज इक्वल टू जीरो इज x एक्सिस, और x इज इक्वल टू माइनस थ्री, x इज इक्वल टू थ्री पैरेलल टू y एक्सिस, आपको ये कर्व स्केच करना है, और ये कर्व स्केच भी आप इजिली ट्रांसलेशन से कर सकते हैं बेटा। देखिए ये आपका कर्व रिकॉल करो, तो y माइनस वन इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस वन, ठीक है, अब y इज इक्वल टू मॉडुलस x हो, y इज इक्वल टू मॉडुलस x हो, इसकी आपको शेप ध्यान रहती है, ये इक्वली प्लांटिंग है और जीरो जीरो से पास होती है v शेप, ठीक है, y माइनस वन, y माइनस वन जीरो रखो तो y की वैल्यू वन, x प्लस वन जीरो रखो तो x की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन वन, ये अब वर्टेक्स बन जाएगा, माइनस वन वन यहाँ, और शेप बिल्कुल इसी फॉर्म में और इक्वली स्लांटिंग आपकी वी ही रहेगी, इजिली आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, नहीं आपसे होता बिल्कुल दो तीन वैल्यूज ले लीजिए टेबल की, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, और फिर इससे ड्रॉ करके निकाल लीजिए, जीरो ले लीजिए, माइनस वन, माइनस टू, वन टू, कुछ वैल्यूज ले लीजिए, इससे आप ड्रॉ कर लीजिए अगर आपको ये एकदम रिकॉल नहीं होता, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है, वर्टेक्स कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ उसी से सिंपल सा रिकॉल करके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, मैं एक बार शेप आपको दिखा दूं, देखिए माइनस वन टू वन ये आपका वर्टेक्स बन गया, इक्वली स्लांटिंग ये आपकी शेप, ये आपका एक्स इजक्वल टू माइनस थ्री लाइन, ये आपकी एक्स इजक्वल टू थ्री लाइन, और ये आपकी वाई इजक्वल टू जीरो लाइन, तो इस कर्व और इन सब के बीच में ये आपका एरिया बन जाता है एक तरीके से, जो आपसे पूछा है, ये पूरा अपने एरिया निकालना है, ये एरिया आपसे पूछा है, ओके, तो ये एरिया आपका क्या होगा बेटा, एक्चुअल में ये जो हमारा कर्व है इसकी लेफ्ट ब्रांच के अंडर माइनस थ्री से माइनस वन, और इसकी राइट ब्रांच के अंडर माइनस वन से थ्री, तो इजिली आप इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं बेटा, मॉडुलस एक्स प्लस वन अगर आप कहो तो ये एक्स प्लस वन ही होगा, जबकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, इसके जीरो से ग्रेटर है, और ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन होगा जबकि एक्स लेस देन माइनस वन है ना, इसको हम यूज कर लें तो वाई को आप शिफ्ट ओवर कर सकते हो, दिस विल बी वन प्लस x प्लस वन इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एंड दिस इज वन माइनस x माइनस वन दिस इफ x इज लेस देन माइनस वन, तो ये आपका हो गया टू प्लस एक्स, और ये आपका हो गया माइनस x, वन वन तो कट गया, तो ये लेफ्ट ब्रांच आई माइनस x और राइट ब्रांच आई टू प्लस एक्स या x प्लस टू, ठीक है, ये y is equal to minus x, ये y is equal to x plus 2, तो ये required area आपका क्या हो जाएगा बेटा, इस branch के under minus 3 से minus 1 और इस branch के under minus 1 से 3 limit, ठीक है, तो required area आपका
माइनस थ्री से माइनस वन लेफ्ट ब्रांच और माइनस वन से थ्री राइट ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच में वाई की वैल्यू है माइनस एक्स और राइट ब्रांच में वाई की वैल्यू है एक्स प्लस टू। बस इनकी वैल्यू निकाल दीजिए बेटा। दिस विल बी माइनस एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट आपने रखनी है माइनस थ्री टू माइनस वन, यहाँ एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू, टू का इंटीग्रल टू एक्स, लिमिट आपने रखनी है माइनस वन टू थ्री। वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस वन बाय टू मैं कॉमन लेती हूँ, माइनस वन पुट किया पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। यहाँ पर भी मैं वन बाय टू कॉमन लेती हूँ, पहले अपर लिमिट रखी थ्री स्क्वेयर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी माइनस वन स्क्वेयर, फिर यहाँ टू कॉमन लेती हूँ, अपर लिमिट रखी थ्री माइनस लोअर लिमिट। मैं टर्म वाइज रखती हूँ बेटा, आपकी जैसी हैबिट है आप यूज कर सकते हैं। दिस विल बी वन माइनस नाइन, दिस विल बी नाइन माइनस वन, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, टू दिस विल बी थ्री प्लस वन। वैल्यू निकाल दीजिए, दिस इज माइनस एट, माइनस एट एट बाय टू दैट मीन्स फोर, दिस इज एट, एट बाय टू अगेन फोर, दिस इज फोर इंटू टू एट, ठीक है, फोर प्लस एट दैट मीन्स सिक्सटीन, सिक्सटीन स्क्वेयर यूनिट्स इज द एरिया जो आपसे पूछा गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, वाई इज ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, देन प्रूव दैट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म में बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जितना भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ बेटा, अभी तक बच्चे बार बार गलती करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद चेन रूल यूज करके करते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों को अलग अलग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड नहीं, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू से डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, बिल्कुल ध्यान रखिए, दिस इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाय डी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। आपका ये फंक्शन इक्वल होगा डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि ये टी का फंक्शन आएगा, तो आप इसे पहले विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे और फिर टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके मल्टीप्लाई, ये चीज आपने ध्यान रखनी। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म में बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बेटा जो अभी तक मैं ऑब्जर्व करती हूँ करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी करें, डी एक्स बाय डी टी निकालें। ध्यान रखिए यहाँ ए बी कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, माइनस बी कॉन्स्टेंट, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो ये प्लस साइन टी हो गया, ओके। और इधर y का डेरिवेटिव करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू t, a कांस्टेंट, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, प्लस b कांस्टेंट, साइन t का डेरिवेटिव cos t। चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटे, देखिए a cos t प्लस b साइन t, ये आपका y ही बन गया, और dy बाय dt ये आपका हो गया नेगेटिव, आप कॉमन ले लो, तो a साइन t माइनस बी कॉस टी, दैट मीन्स ये नेगेटिव ऑफ एक्स हो गया। चलिए दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे, जो कि डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी होता है, दैट विल बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई, डी वाई बाई डी टी माइनस एक्स है और डी टी डी एक्स बाई डी टी वाई है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटे, एक्स और वाई में आ गया। अब जब आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, अब आपको चेन रूल की नीड नहीं होगी, ये तो एक्स और वाई में। लेट मी जस्ट शो, सेकेंड डेरिवेटिव मींस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव खुद आ गया बेटा आपका माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ तो हम यूज करेंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के लिए बेटा आपको कहती हूँ, सबसे पहले वन अपॉन डेनोमिनेटर स्क्वायर लिख ली, ठीक है, ये स्किप हो जाता है बच्चों से जल्दी में। चलिए अब बाकी न्यूमेरेटर क्या है, डेनोमिनेटर
इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि माइनस एक्स है, माइनस न्यूमरेटर जो कि माइनस एक्स है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर जो कि वाई है। ओके सिंपल, बस यहाँ पर ये डेरिवेटिव पुट कर दीजिए बेटा, ये हो गया वन अपॉन वाई स्क्वायर, वाई एस सच माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस एक्स अपॉन वाई। नथिंग हार्डर, कुछ भी नया कैलकुलेट नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना समझना, ठीक है। बस यहाँ एलसीएम ले लें, वाई एलसीएम आ जाएगा, दोनों में माइनस है माइनस बाहर, और वाई एलसीएम आया तो ये आपका हो गया वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस बाहर ले लिया था हमने, वाई इंटू वाई स्क्वेयर, ये बन गया वाई। बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आ रहा है बेटा, हमारा प्रूफ हो गया है। इजी टू डू, बस सोच समझ के आप फर्स्ट डेरिवेटिव में ये यूज कर पाए, ये यूज कर पाए, ये ऑब्जर्व करना सीख, ठीक है। चलिए यहाँ सेक्शन सी आपका डिस्कस हो जाता है। That's all for today.